बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हमारे पास में लड़के लड़कियां काफी आते रहते हैं, उनका ब्रेकअप होता है या ब्रेकअप नहीं भी हुआ तभी उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आते हैं और फिर वो काउंसलिंग के लिए जाते हैं। तभी मैं आपको बताऊंगा कि टॉक्सिक रिलेशनशिप उनकी हो गई है और वो टॉक्सिक रिलेशनशिप मतलब बहुत ज्यादा जहरीली रिलेशनशिप हो गई है और उसके यदि पहले साइंस मालूम पड़े अपने को, पहले लक्षण जल्दी मालूम पड़ा तो वो वहीं रोक सकते हैं या वही अलर्ट हो सकते हैं और आगे बढ़ेंगे नहीं और आगे के प्रॉब्लम नहीं आएंगे, क्योंकि आगे यदि ब्रेक हो जाता है तो फिर लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो इतना आगे बढ़ना और बाद में ब्रेकअप करना, उसके पहले ही यदि हमको कुछ पहले ही साइंस पकड़ में आ गए, पहले लक्षण कुछ पकड़ में आ गए तो वहीं अपन रोकथाम लगा सकते हैं, रोक सकते हैं और अपना जीवन अच्छा कर सकते। तो मैं बताऊंगा कि ऐसे कौन से लक्षण हैं कि जिसमें वो लड़की या लड़का अपने पार्टनर के ऊपर एक जहरीले रिलेशनशिप में, बहुत सेंसिटिव रिलेशनशिप आ चुका है और वहां उसने भी रोक देना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं लक्षण। नंबर एक कि भाई उसको ऐसा लगता है कि मुझे मेरी जिंदगी का प्यार मिल गया है ना, जो मैं लड़का या लड़की सोच रही थी या सोच रहा था वो मुझे मिल गया, ऐसा उनको लगता है। बस वही है, बस वही मुझे मैं सोच रहा था वही मिल गया है मेरे को। तो ये पहला लक्षण। नंबर दो, आपके पार्टनर को आप आदर्श मानते हो कि नहीं ये मेरा आदर्श है, आइडियल है, बहुत ही आदर्श, मतलब वो जो जो भी करता है वो उसको लगता है कि आदर्श है और फिर आप उसको फॉलो करते हैं कि नहीं वो जैसा कर रहा अपन वैसे ही कर। नेक्स्ट, बाकी दोस्त जो है ना उनको निग्लेक्ट करना चालू कर देते हैं, उनको टालना चालू कर देते हैं, उनके फोन लेना चालू कर देते हैं, बस एक ही व्यक्ति चाहिए और उसके साथ में रहना बार बार अच्छा लगता है। चार, आपके शौक जो है, आपके हॉबीज वो आप धीरे धीरे बंद कर डालते, टाइम गंवाते नहीं है हॉबीज में, एक ही हॉबी है कि बस पार्टनर के साथ में रहना। पांच, वार्निंग साइंस है कि भाई उसके जो पार्टनर के जो कोई हैबिट्स है या कोई ऐसे बिहेवियर है जो आपको अच्छे लगते नहीं, उसके तरफ दखल अंदाज कर लेना, निग्लेक्ट कर लेना और उसको मानने का नहीं, ठीक है वो ऐसे चलते रहता है, ऐसा उसको ना कैजुअल अप्रोच रखना। साथ, मत्सर या द्वेष करना, मतलब वो कोई लड़की से बात कर रहा है, किसका फोन उठा लिया, उसके मोबाइल चेक करना, कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक करना, किसके मैसेज आए वो देखना है ना, तो ये बार बार ऐसा चेक करना और उसके बारे में मत्सर या द्वेष रखना तो एक साइन हो सकता है। आठवां जो है कि पार्टनर के साथ में नहीं रहे तो फिर बेचैनी हो जाना, बहुत बेचैनी हो जाना, ऐसा लगता है कि नहीं वो कब मिलेगा, कब एक बार फोन से बात हो जाएगी, कब मैं हेलो हाय करूंगा, और उसके साथ में तो रहना बहुत जरूरी है, ऐसा उसको लगता है। भी थोड़ा भी मिल लिया, दो चार मिनट मिल लिया, बात कर लिया तो उसको एकदम रिलैक्स हो जाता और वो जो लक्षण है बेचैनी के वो निकल जाते हैं। नौ, यदि उसने फोन पे या मैसेज पे रिप्लाई नहीं किया तो बहुत बेचैन हो जाना, मतलब अपने फोन करने के बाद में फोन जल्दी उठाना चाहिए, एक रिंग में दो रिंग में उठाना चाहिए। यदि नो रिप्लाई हो गया, फोन नहीं उठाया, तो तुरंत शक करना और उसके बारे में झगड़ा कर लेना या कुछ तो भी उल्टा पुल्टा बोल देना कि भाई मैंने जवाब दिया नहीं, मैंने फोन किया था आपने फोन नहीं उठाया, ऐसे बारे में एकदम बहुत चिढ़ जाना और गुस्सा कर लेना। दसवां, जस्टिफाइंग पार्टनर्स टेरिबल बिहेवियर, बहुत ऐसा कुछ टेरिबल बिहेवियर हो गया कि बहुत शराबी पी के आ गया, बहुत धींगाणा कर लिया, दांगड़ो कर लिया, बहुत मारपीट समझो कर लिया, ऐसा कुछ भी उसने कर लिया कि जो नॉर्मली एक्सेप्टेबल नहीं है, तभी भी उसको जस्टिफाई करना, उसका समर्थन करना, उसका स्पष्टीकरण देना कि ऐसा हो गया होगा, तो ये एक है। ग्यारहवां, पार्टनर्स की कोई भी रिक्वेस्ट जो है उसको ना नहीं बोलना, उसको हाँ ही बोलना। तो ऐसे 11 लक्षण है कि जो आप देखते हैं, तो अर्ली साइंस है, ये पकड़ लिया तो हो सकता है कि फिर आगे बढ़ेंगे नहीं और एक दूसरे के ऊपर इतना डिपेंडेंसी, इतनी डिपेंडेंसी आ जाती है कि उसके सिवाय रह सकते नहीं है और फिर उसमें ब्रेक हो गया तो फिर सुसाइड, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएंगे। समझिए, इसमें से आपको अर्ली साइंस मिले और पकड़ में आए तो आपने क्या करना है। नंबर एक, टेक अ ब्रेक, ब्रेक लो, पूरा बंद, कॉन्टैक्ट बंद करना है जब अपने को पहले इसमें पकड़ लिया तो, कि नहीं अपन उसके साथ रह सकते हैं। मेडिटेशन करना, सेल्फ हिप्नोसिस करना और अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, अपना इंटरनल ऑब्जर्वर बनना, खुद को ऑब्जर्व करो कि देखो मैं कैसा बन गया हूं, और एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति बनना कि नहीं भाई ये इसमें जो ऐसा कर रहा हूं मैं उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं और मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना कि अभी मैं गलत रास्ते से जा रहा हूं, बहुत डिपेंडेंसी हो रही है, बहुत हावी हो गई है रिलेशनशिप, ये टॉक्सिक हो गई, जहरीली हो गई रिलेशनशिप, इसमें से मेरे को बाहर आने का है। तो वो आने के पहले यदि किया तो पॉसिबल है, अदरवाइज तो फिर मानसिक बीमारियां, डिप्रेशन, सुसाइड, स्किजोफ्रेनिया, ऐसे मानसिक काफ़ी बड़े बड़े बीमारियां, काफ़ी इलनेसेस, मानसिक बीमारी हो सकती है। तो इसलिए ये वीडियो ज़्यादा लोगों को फैलाओ, स्पेशली युवा पीढ़ियों में ज़्यादा फैलाओ, लड़के लड़कियों के आपके दोस्त होंगे, ग्रुप्स होंगे, उसमें फैलाओ,
ताकि वहां से वो अलर्ट होकर अपना जीवन जी सकेंगे। हमारे यहाँ लोग ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं, बातचीत करते हैं और उनके प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करके लेते हैं। हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल हैं जिसमें हम रिलेटिव्स के साथ में रिलेटिव्स के अलावा मेंटल पेशेंट को दाखिल करते हैं। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य व्यसन मुक्त भारत, ये हमारा संकल्प है। आपका भी हाथ इसमें लगने दो। थैंक यू।